गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए इसलिए बुलाया। कल हमने जैसा द्विमुख न्यूज़ को प्रेस ब्रीफिंग करते समय जैसे बताया कि आज भी एक अरेस्ट किया, कल शाम को ही एक अरेस्ट किया कि जहाँ पे एक सोशल अवेयरनेस देने लायक वाला एक केस है, हमने वो केस पे एक अरेस्ट किया। एक ऐसा है 2021 का बात है, अक्टूबर का 26/10/2021। उसमें हमारा तलित दादा साहब है, उसको एक वीआईपी सिम के लिए वीआईपी सिम देगा करके एक कॉल आता है। वीआईपी सिम जैसा 7211111 ऐसे टाइप का वीआईपी सिम देगा करके, जहाँ पे नंबर वीआईपी जैसा दिखे। तो उसमें कह के उसको कहता है कि 1,28,000 समथिंग जमा करो। तो वो 1,20,000 जैसा जमा करता है बैंक से, और हमारा जो फ़ोन का जो पेमेंट होता है गूगल पे के उससे पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद में आता नहीं है, जो सिम मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो जब नहीं मिला तो उन्होंने ये 26 को केस एक FIR दिया। तो उसके दौरान पे हमने द्विमुख PS केस नंबर 65/2021 अंडर सेक्शन 420 IPC रजिस्टर किया, और हमारा ये एक टीम फॉर्म किया। उसमें IO हमारा तत्ते साहब नाबम तत्ते, और इसको सुपरवाइज मैं खुद करके, इसके साथ में ये हमारा SDPO और OC हम लोग सुपरवाइज कर रहा था। तो बाद में इसके दौरान जब बाद में पता चला CMCU के तरफ से हेल्प लेके, जब PSQ से हेल्प लेके जब हम लोग ने ट्रैकिंग किया, और KYC जब बैंक का जो KYC फॉर्म होता है उसको जब हम लोग ने निकाला, तो पता चला जहाँ पे जमा किया, तो पता चला कि कोई मुकेश कुमार मिश्रा के नाम पे, उसका अकाउंट पे पैसा जमा होता है, और कोई विनोद कुमार सिंह करके। तो उन लोगों को ट्रैकिंग किया, ट्रैकिंग करने के बाद में हम लोगों को पता चला वो यूपी में रहने वाला है। यूपी में एक विनोद कुमार सिंह जो है असवरनपुर का है, और ये जो मुकेश कुमार मिश्रा है ये जो प्रसारा विलेज यूपी का है। उधर जाता है हमारा टीम, जिसको हमारा SI नाबम तत्ते लीड करता है, उसके साथ में हमारा कांस्टेबल सरा, कांस्टेबल यादव और कांस्टेबल एस यादव, ये जाता है, जाके उन लोग उधर उसको मुकेश कुमार को अरेस्ट करता है। क्योंकि अरेस्ट करने के बाद में फिर वो मुकेश कुमार दिखाता है विनोद कुमार का घर को, तो विनोद कुमार को भी, मुकेश कुमार को और विनोद कुमार को दोनों को अरेस्ट करता है। मुकेश कुमार को हम लोग यहाँ से अरेस्ट किया वाराणसी, मुकेश कुमार को वाराणसी से और विनोद कुमार को जानपुर से, तो ये दोनों को अरेस्ट करता है। बाद में जब अरेस्ट करने के दौरान जब उसको पूछताछ किया, क्वेश्चनिंग किया, तो क्वेश्चनिंग में बताता है कि उन लोगों को जो पैसा लगाने के लिए पैसा उन लोगों ने मांगा होगा नहीं है। एक कोई नीलेश सुशील कुमार सिंह करके है, वो उनका अकाउंट नंबर मांगा था, तो उसके थ्रू से वो जो कुछ करता है बिजनेस करेगा करके पैसा लगवाता है। तो पैसा जितना आता है वो निकाल के ये जो मुकेश कुमार और विनोद जो है पैसा निकाल के नीलेश को देता है। तो इसके दौरान फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान नीलेश को पकड़ा, मुकेश और ये जो विनोद जो लीड करके देता है नीलेश का घर बताता है, नीलेश को पकड़ता है। जब नीलेश को हम लोग पकड़ा, नीलेश से बाद में पता चलता है, नीलेश मुकेश और विनोद से ये पता चलता है कि नीलेश और एक कंप्लीस है शिवम राय करके, वो मिल के एक ये प्लान रचता है कि लोगों को ठगेगा। ये जो फेक ये जो सिम VIP सिम देने का नाम पे ठगेगा, तो ये लोग ठगने के लिए, जब आप ठगेगा तो फिर अपना अकाउंट नंबर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, अपना अकाउंट नंबर कैसे देगा, फिर पकड़ा जाएगा। तो ये क्या करता है, ये जो इनोसेंट आदमी, जो कोई बस्ती में रहने वाला आदमी को इसका नंबर ढूंढता है, अकाउंट नंबर,
तो ऐसे वालों को पकड़ के उसका अकाउंट नंबर पे पैसा लगवाता है और उससे पैसा निकालता है और बाद में ये दोनों का बीच में शेयर करता है। तो बाद में नीरेश का और इन लोगों का स्टेटमेंट से ये पता चला है कि मुकेश कुमार और विनोद कुमार का ये दलित दादा का ये वाला केस में भी दलित दादा का केस में भी इन लोगों का अकाउंट लेता है, दलित दादा को पैसा लगाने देता है, बोलता है कि हम आपको VVIP नंबर देगा और दलित दादा इसको वो अकाउंट नंबर पे लगाता है, ये लोग निकालता है, निकाल के नीलेश को देता है, नीलेश परसेंटेज जो भी है उन लोग का बीच में शेयर करता है। तो बाद में जब मुकेश और विनोद जब पता चला ये ऐसे कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उन लोग बाद में नीलेश का साथ कॉन्टेक्ट करना बंद कर देता है। तो हमने ये हम मेरा टीम को ये जो टीम है इसको शाबाशी देता है इसको क्रैक करने के लिए, केस को इतना दूर तक जाके उन लोगों को पकड़ने के लिए पकड़ा है, इसके लिए शाबाशी देता है। इसके दौरान में ये केस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है, जो पब्लिक मैसेज जो हम देना चाहता है। पब्लिक मैसेज जैसा मैंने कल बोला, आज भी एक अरेस्ट किया गया है जिसमें हम पब्लिक मैसेज कुछ देना चाहते हैं। यहाँ भी यही है कि जैसा मान लीजिए जैसा बहुत लोगों को कॉल आता है, मोबाइल टावर बनाएगा, आप फंड कीजिए, आप कुछ पैसा लगाइए, आपको मोबाइल टावर बनाने का ऑफ़र देता है। कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार का ऑफ़र आता है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, एक VIP सिम देगा, तो आप पैसा दीजिए VIP सिम देगा। तो हम जनरल पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करता है कि इस पे ये फ्रॉड पे ना पड़े, हमेशा ये देखे जब भी कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है तो देखिए कि ये सच्ची में वो सर्विस का है, जो वो कंपनी का लोग है ना नहीं है, उसको आप वेरीफाई कीजिए। जब आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो उस पर मत, कोई भी दुनिया में कोई भी लंच फ्री का नहीं, आपको कुछ भी फ्री का मिलेगा नहीं। जब भी ऑथेंटिसिटी को आप जांच कीजिए, करने के बाद ही तब आप वो जो बिजनेस पे लगे। और दूसरी बात, जैसा अभी यहाँ पे कुछ ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, इसमें हम लोग देखेगा कि सच्ची में ये जो दो बंदा मुकेश और विनोद है दोनों सच्ची में इनोसेंट है ना नहीं है। लेकिन अभी जो जितना जांच पड़ताल का हिसाब पे चले पता चला है कि ये नीलेश जो है, नीलेश और ये जो इसका एकम्प्लिस है, दोनों मिल के अकाउंट नंबर लेता है, अकाउंट नंबर पे गलत रुपया लगवाता है और रुपया को निकल के आपस में बांटता है। तो मैं जनरल पब्लिक को, आप लोगों को भी, मीडिया साथी लोगों को, आप लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अननेसेसरीली किसी को अपना अकाउंट में पैसा जमा करने का मौका ना दें। क्या पता, आपको पता नहीं आजकल कौन क्या कर रहा है, किसी को थक के, किसी को ज़ोरदार एक्सटॉर्शन करके आप पैसा भी लगवा रहा भी होगा। कल को अगर आपका अकाउंट में पैसा आया तो पुलिस तो पहला तो आपको ही पकड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका नंबर से यूज़ किसी को थ्रेटनिंग करने के लिए यूज़ किया, मोबाइल नंबर आप किसी को दे दिया, उससे किसी कोई थ्रेटनिंग कर दिया, वो वॉइस मैसेज स्टोर करके रख दिया, पहला तो पुलिस आपको पकड़ेगा। इसलिए अननेसेसरी किसी को अननेसेसरी भरोसा ना करें, अपना अकाउंट नंबर, अपना नंबर, हाँ जो भी अपना जो प्रॉपर्टी है अननेसेसरी किसी को ना दे, किसी को यूज़ करने ना दे। तो ये मेरा जनरल पब्लिक को एक मेरा तरफ से एक मैसेज है। थैंक यू मेरा फ्रेंड्स। सर और एक इसमें एक्यूज था शिवम, वो भी पकड़ा गया। शिवम अभी भी भागा हुआ है, इसका हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ने के लिए। सर खास करके पूरा अरुणाचल प्रदेश में, नगा साहब आप भी अरुणाचल से हमारा सीनियर ऑफिसर है, बहुत ऐसा घटना होती रहता है, मोबाइल सिम कार्ड जैसे आपने अभी बताया है, मोबाइल टावर का भी चल रहा है, अरुणाचल सेंट्रल गवर्नमेंट 980 टावर अप्रूव करके रखा है और 2000 अप्रूव होने के बाद चल रहा है, तो लोग कैसे इतना जल्दी फंस जाते हैं सर ऐसे करके? देखिए हमारा लोग, मैंने कल भी एक मीडिया ब्रीफिंग में मैंने बोला, हमारा लोग काफ़ी गलीबल है। अभी ही डेवलपमेंट तो, और जो ये जो है क्या बोलेगा, डेवलपमेंट जो है नया नया यहाँ पर आ रहा है, तो बाहर का हवा पानी हमारा लोगों को इतना अता पता नहीं, बाहर से इतना इंटरेक्शन नहीं, इसीलिए जल्दी भरोसा कर लेता है। तो इसलिए मैंने कल भी बोला अननेसेसरी किसी को अननेसेसरी भरोसा ना करें। जब भी किसी के साथ में कुछ आप एग्रीमेंट करता है तो उसको उसका आदमी का कैरेक्टर देखें। जैसा मैंने कल बताया, किसी को आप इम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाए, कैरेक्टर एंटीसीडेंट का वेरिफिकेशन करवाए। किसी को अननेसेसरी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी को अननेसेसरीली ना दें। जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि यहाँ कोई लंच
फ्री का दुनिया में नहीं मिलता है, कोई कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सर एक पुराना केस था, आपने कल उसको भी ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया, जो यहाँ एक स्विमिंग पूल में काम करने वाला एक मैनेजर का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं सर? ये मनोज जी, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ बार बार बोलना भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ हमने उसको सॉल्व किया है। उसका भी हमारा आयो था बलकार सिंह साहब और टीम, ये हमारा सुपरविजन पे हुआ है, सॉल्व किया है और बधाई देता है हमारा टीम को। इसमें भी मैंने कल यही बोला कि जैसा बिजनेस है, बिजनेस के दौरान पे तना तमर और उन लोगों ने क्या किया, जो मैनेजर जिसको एम्प्लॉय किया उसका कभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया, कैरेक्टर एंटीसीडेंट का वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो करवाता शायद ये आदमी अच्छा भी नहीं वाला भी होता होगा, तो पता चलने से नहीं रखना था। दूसरा बात है कि जो बिजनेस अफेयर है उसको रेगुलरली डे टू डे डेली बेसिस पे चेक करना चाहिए। आज सुबह अकाउंट बैलेंस, अकाउंट ओपनिंग कितना था, शाम को अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट बैलेंस जो क्लोजिंग है कितना हो रहा है उसको देखना चाहिए, कितना रुपया बिक्री हुआ, कितना रुपया गया, कितना रुपया आया, कितना माल बिक्री गया, कितना माल आया, वो तो डेली बेसिस पे करना चाहिए। तो नहीं करेगा तो हाँ, आदमी जब आपका मैनेजर होगा वो कुछ रुपया एक साथ में देख लेगा तो फिर देखिए वो उसका भी दिमाग हिल सकता है। तो ये है, तो आदमी को भरोसा करने से पहले उसका जांच पड़ताल करना चाहिए।